मैम शशि, आज मैं आपके लिए अमरूद की एक ऐसी रेसिपी लाई हूँ जो खाने में बहुत ही चटपटी है, साथ साथ स्वादिष्ट है। अमरूद के बहुत सारे फ़ायदे हैं जिसे जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि अमरूद में ऐसा होता क्या है जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल का आइकन यानी घंटी का बटन, इसे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इसके चौंका देने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इसमें देखिए, इसमें ढेर सारे विटामिन्स पाए जाते हैं अमरूद में, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के डी, विटामिन B6 और विटामिन 12। ये विटामिन्स हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं जो थायराइड के पेशेंट के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, क्योंकि अमरूद में कॉपर बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो थायराइड पेशेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, अमरूद स्तन और प्रोस्टेट कैंसर में भी बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, लाइकोप्रोटीन और विटामिन सी पाया जाता है जो इनसे फाइट करता है। नेक्स्ट है, टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट के लिए ये रामबाण है अमरूद। नेक्स्ट इसी तरह से फ़ायदेमंद हमारे लिए है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है यानी हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। अमरूद में विटामिन सी होता है जो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। ऐसे नेक्स्ट है, ये वेट लॉस में भी बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाए जाते हैं जो हमारे वजन को घटाने में बहुत ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है, ये हार्ट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, जो हार्ट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, कब्ज में सहायक होता है, क्योंकि अमरूद में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाई जाती है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा बूस्ट होता है, वो ठीक रहता है। अब चलिए हम आपको ये रेसिपी बताते हैं जो हम अमरूद को किस फॉर्म में खा सकते हैं, डिफरेंट फॉर्म में हम खा सकते हैं। तो आज हम आपके लिए चटपटे सी एक चाट की रेसिपी लाई हूँ जो अमरूद से बनता है। तो इसे अपने खाने के साथ आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अमरूद का सीज़न है, जब तक सीज़न चले हमें एक अमरूद डेली खाना चाहिए। तो इस तरह से टेस्टी आप बना सकते हैं। तो देखिए, अमरूद सबसे पहले ले लेते हैं। अमरूद बहुत कच्चा भी नहीं होना चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा पका हुआ होना चाहिए। तो देखिए, इस तरह से अमरूद ले लिया है हमने, कुछ मीडियम में पके हुए हैं और एक पका हुआ अमरूद है। तो पके अमरूद में ज़्यादा फाइबर पाया जाता है, तो जो पका अमरूद होता है उसे हम ज़्यादा बेनिफिशियल मिलता है, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ये सारे विटामिन्स भी पके अमरूद में ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और जो हल्का सा पका हो वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए, इस तरह से पहले हम आउटर पार्ट में जो भी अगर लगे हुए हैं स्पॉट वगैरह, तो उसको निकाल देते हैं और फिर इसके फाइन फाइन से हम चॉप करके इसके देखिए पीसेस कट करके रख लेते हैं। तो इसे आप चाट के रूप में, सैलड के रूप में, इसके बहुत सारी रेसिपीज़ भी बनती है। मैंने अभी अब जैम की रेसिपी एक डाली है अमरूद की, आप उसे बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। देखिए, इसे छोटा छोटा काट लीजिए और फिर अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो बहुत ज़्यादा स्पाइसेस मैंने इसमें पसंद नहीं करती, अगर आप चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कॉमन जो स्पाइसेस होते हैं जिससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ के आता है, वो है काली मिर्च का पाउडर तो और काला नमक। तो यहाँ पर 1/2 स्पून काला नमक हमने डाल दिया, काली मिर्च पाउडर 1/4 स्पून इसमें डाल दें, और ये देखिए काली मिर्च का पाउडर डाल दे रहे हैं, और काला नमक हमने पहले 1/2 चम्मच डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे सादा नमक यानी प्लेन नमक जो हम खाते हैं, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो काला नमक हो गया, काली मिर्च पाउडर और ये वाइट वाला सॉल्ट, इसको ऐड करके मिक्स कर देते हैं, और इसके बाद इसमें भुना हुआ जीरा हम 1/4 स्पून ऐड कर देंगे। तो यहाँ भुना हुआ जीरा भी इसके इसको मिक्स करने के बाद ऊपर से ऐड करते हैं, इससे फ्लेवर इसका बहुत ही बढ़ के आता है। और भुना हुआ जीरा भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस तरह से देखिए, भुना हुआ जीरा भी डाल के इसको मिक्स कर दे रहे हैं। अगर आप चाहते हैं इसमें थोड़ा सा खट्टा ऐड करना, तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। अमरूद में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी होता है, तो हम इसमें खट्टा ऊपर से हमें इसको टेस्टी नहीं लगता, हमें खट्टा हम नहीं डालते हैं। अगर आप चाहिए, बहुत लोग नींबू डाल के भी खाते हैं, इससे टेस्ट और इन्हेंस हो जाता है जिसे ज़्यादा खट्टा पसंद हो। लेकिन ये पका हुआ अमरूद इस तरह से अगर हम काली मिर्च और काला नमक और ये नमक डाल के हम खाते हैं ना, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया अमेजिंग टेस्ट आता है। तो इसी तरह से हम खाते हैं, इसलिए इसके उस तरह से हमने बनाया है। अगर आप चाहिए तो इसमें लेमन डाल सकते हैं, लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर सकते हैं इसके टेस्ट को और बढ़ाने के लिए।
भी, तो अपने खाने के साथ इसे सैलड में यूज़ करिए। अमरूद का सीजन भी चल रहा है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपने देखा कि इसमें कितने सारे विटामिन्स पाए जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, उससे कोई भी नया वीडियो डालते हैं ना तो आपको उसके अपडेट मिल जाता है। ये देखिए जैम की रेसिपी है जो हमने अभी रिसेंटली अपलोड किया है, इसे आई बटन में भी आप पा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे। इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं, आप इसे ट्राई कर सकते हैं अपने फूड में, अपने मील्स में इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।